सदियों सदियों से जिन्हें दुनिया में सम्मान मिला, जिनको भारत की धरती पर देव का सम्मान मिला, जो सर्दी गर्मी सब मौसम को नंगे तन भी सहते हैं, जिनको हम दुनिया का पालनहारा कहते हैं, जो खेतों में मेहनत कर भूखों को भोजन देते हैं, जिनके दम पर हम अपनी जीवन नैया कहते हैं, उन्हीं किसानों के घर हम मातम है सन्नाटा है, भोजन देने वालों के गालों पर अब ये चाटा है। आओ ऐसी शोषित पीढ़ी जनता की आवाज सुने, 70% आबादी के टूटे दिल का साथ सुने, इनके दम पर ही भारत ने जब को शीश नवाया है, इनकी मेहनत के दम पर ही हम सबने अब कुछ सब कुछ पाया है, इन्हीं किसानों ने अब तक हमको अन्नकूट भंडार दिया, अपना बदन गलाकर हम सबको आहार दिया, लेकिन इनकी हालत पर अब आंसू भर जाते हैं, इन्हें हमारी सरकारें भी झूठे ख्वाब दिखाती है। जय किसान का नारा देने वाला नेता चला गया, इनको हिम्मत देने वाला प्रण पलेता चला गया, आओ अपने लोकतंत्र का कड़वा सच आज सुने, 70% आबादी के टूटे दिल का साथ सुने, मैंने आंखें खोली तो अपराधों को बढ़ते देखा, और किसानों को कर्जे से फांसी पर चढ़ते देखा, पूछ रहा हूँ केंद्र से प्रांतों की सरकारों से और किसानों की दुर्गति के जिम्मेदारों से, पूछ रहा हूँ सीएम से और सभी जिलों के डीएम से, प्रश्न मेरा दिल्ली की बैठी बैठे कुर्सी के पीएम से, प्रश्न दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों के मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है। आओ आज इस बदहाली का राज सुने, 70% आबादी के टूटे दिल का साथ सुने, माली ने ही राजनीति करके चढ़ती बेल उतारी है, हर धर्मी राजा के कारण ही सूखी इसकी फलवारी है, नौकरशाही की चौखट पर इनकी किस्मत हारी है, ऐसी कमरों ने ही इनको सबसे ज्यादा घाव दिए, लाखों की फसलों के बदले 2 कोड़ी के भाव दिए, अन देवता केवल अपने भक्तों से ही हारा है, पेट भरे हाथों ने इसको कलम चलाकर मारा है, क्या कहता है पगड़ी से, बताज सुने, 70% आबादी के टूटे दिल का राज सुने, जय जवान जय किसान।